नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। उज्जैन में पुलिस विभाग ने लैंगिक अपराधों को रोकने की नीयत से बालक संरक्षण और महिला सशक्तिकरण पर कार्यशाला आयोजित की। पुलिस कर्मियों को बालक संरक्षण अधिनियम 2012 की जानकारी और उनके पालन करने के गुर सिखाए। कार्यशाला में सभी थाना प्रभारी, बाल कल्याण समिति के अधिकारी और किशोर न्यायालय के सदस्यों समेत भोपाल से पहुंची प्रशिक्षकों की टीम शामिल हुई। सभी ने पुलिस विभाग की भूमिका, किशोर न्याय अधिनियम, पॉस्को एक्ट, चाइल्ड लाइन, संस्थाओं के कार्य और बालकों के पुनर्वास पर चर्चा की। आज ये जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय और जिला पुलिस के तत्वावधान में एक दिन का ये सेमिनार आयोजित किया गया है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, जिसमें जिला उज्जैन के सभी थानों में पदस्थ ASI या सब इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी, जिसको बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कहा गया है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। इसमें शहर के भी सभी थाना प्रभारी मौजूद हैं, शहर के CSP एडिशनल SP साहब मौजूद हैं और बाल कल्याण समिति जो ज़िले की है उसके सदस्य मौजूद हैं, जो किशोर न्याय बोर्ड है ज़िले का उसके सदस्य मौजूद हैं और भोपाल से मास्टर ट्रेनर के रूप में एक टीम आई है जो यहाँ ट्रेनिंग दे रही है और ये बता रही है कि किस तरह से अगर कोई देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक या बालिका है उसके साथ हमें किस तरह बर्ताव करना चाहिए, उसको किस संस्था के पास लेना चाहिए, उसका पुनर्वास कैसे हो। साथ ही यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र का बालक बालिका है, उसके द्वारा कोई अपराध हो गया है, तो उससे हमको कैसा बर्ताव करना चाहिए और किस फोरम में उसको प्रस्तुत करना चाहिए। आज जो है हमने किशोर न्याय अधिनियम 2015 और जो बालकों के लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है, जो पॉस्को एक्ट भी कहलाता है, उसके संबंध में एक कार्यशाला सा प्रशिक्षण रखा है, जिसमें हमने पूरे ज़िले के जो 30 थाने हैं हमारे, उनके बाल कल्याण अधिकारी को बुलाया है, जो हमारी बाल कल्याण समिति है और JJB के सदस्य हैं वो हैं, प्लस चाइल्ड लाइन के लोग आए हैं, GRP और RPF के लोग भी आए हैं और साथ में हमारी ICPS की टीम है जो महिला सशक्तिकरण की है, ताकि इन एक्ट के बारे में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही हैं क्रियान्वयन में, हर का काम निर्धारित है, उसमें जो प्रैक्टिकल समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण कैसे किया जाए, उसके लिए जो है हमने आज ये यहाँ पर और भोपाल से और धार से हमने मास्टर ट्रेनर स्टेट लेवल के जो है वो बुलाए हैं, ताकि पूरे इन एक्ट के बारे में दोनों में जो भी समस्याएं आ रही हैं स्टेक होल्डर को, वो उनका निराकरण भी हो जाए और लोगों को अवेयर भी हो जाए इस एक्ट के बारे में, क्योंकि एक्ट टिपिकल है, नए अभी फॉर्म हुए हैं, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो भी समस्या है उसके निराकरण की। उज्जैन से सुदर्शन सोनी, न्यूज आज। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।